टुकड़े टुकड़े गैंग अफजल ग्रुप एंड पार्टी, इनके अफजल ग्रुप एंड पार्टी बोल रहा है इनको, इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। चुप, फर्ज ना करते हुए उस जी और अगर याद रहेगा और नाथूराम गोडसे जी इतिहास याद रखेगा सुभ्रता जी, ये गद्दारी है, इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा हैं कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपने आप अपना काम समझे हम। एंकर को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, बढ़िया अंग्रेजी बोल करके, बढ़िया चेहरा पे जो है उसको कहते हैं ना ज्यादा गोरा दिखने के लिए, ये मीडिया के बेसिक करेक्टर को आज मार रहा है। टीवी डिबेट्स पर अक्सर बीजेपी नेता ही छाए दिखाई देते हैं और मीडिया भी उनसे सवाल ना करते हुए उल्टा डिबेट में मौजूद विपक्ष पर उंगलियां उठाने लगता है। पर कुछ नेता और प्रवक्ता ऐसे भी हैं जो मीडिया और बीजेपी नेताओं पर पलटवार भी करते हैं। हम आज बात करेंगे सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार की, जो अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वे अपने भाषणों में और टीवी डिबेट्स में सरकार और मीडिया की जमकर आलोचना करते हैं। हम देखेंगे कुछ ऐसे भाषण और डिबेट जिसमें कन्हैया कुमार सरकार और मीडिया पर जमकर बरसे हों। इंडिया न्यूज पर जेएनयू के मुद्दे पर एक डिबेट में दीपक चौरसिया ने कन्हैया कुमार से संविधान पर सवालों में उलझाने की कोशिश की, पर कन्हैया ने एंकर को इसका पलट जवाब दिया। दीपक जी स्पष्ट बताइए, स्पष्ट मैं बोलूंगा, मैं स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट बताइए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, ये अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के समर्थन में है या फिर आपको पता है कि जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई शायद आप पैदा भी नहीं होंगे। आपको पता है मकबूल भट्ट के ऊपर आरोप क्या, देश के ऊपर जब आजादी हुई तब आप नहीं पैदा हुए, नहीं आप नहीं पैदा हुए, देश की आजादी की बात आप भी नहीं पैदा हुए थे, और मैं उस आजादी की बात भी नहीं कर रहा। जब संविधान देश में लागू हुआ तब आप पैदा नहीं, संविधान आप भी पैदा नहीं हुए, आप भी पैदा नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तो मैं सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा, मैं जानना चाहता हूँ मकबूल भट्ट का गुनाह क्या, जेएनयू तो सिक्योर क्या, मुझे आप और छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं बात को सुनने में तो सुनिए, लेकिन अगर आप किसी खास विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और एक पत्रकार के हैसियत से मैं से बात कर रहे हैं, आपसे बात करना कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है आप इंडिया न्यूज के लिए काम करते हैं, मुझे जनता के लिए समझाइए, सुनिए, आपकी उम्र नहीं होती, आप मुझे मत समझाइए, आप मुझे बताइए कि क्या उन लोगों को गिरफ्तार कराया, आपने उन लोगों को गिरफ्तार करवाया जो लोग भारत के विरोध में नारे लगा रहे थे। सुनेंगे तब तो। हाँ बोलिए, आप एक भी सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार हैं? आप बोलिए ना, आप जितना आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब भी नहीं। मोदी पर लेफ्ट वर्सेस राइट को लेकर न्यूज 24 पर एक डिबेट हुई जिसमें कन्हैया कुमार भी शामिल थे। जनता में से किसी एक ने गोडसे के मुद्दे पर सुभ्राष्ट्र से सवाल किए तो वह इस पर गोलमोल जवाब देने लगी। तभी कन्हैया ने इस पर उनके आलोचना करनी शुरू कर दी। आपकी पार्टी आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं वो कहता है लेनिन आतंकवादी है, उसने बहुतों को रेड टेरर में मारा है और मानता हूँ मैं भी, लेकिन नाथूराम गोडसे ने भी तो हमारे फादर ऑफ नेशन को मारा, तो उसे आप क्यों नहीं टेररिस्ट मानते हो? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। लेनिन टेररिस्ट है, लेनिन टेररिस्ट भी है, इसमें अंतर होता है ना, बात बार बार भी की आती है लेकिन जिस तरह से मरोड़ तरोड़ कर किया जाता है वो बात है पर आकर के खत्म कर दी जाती है। बिल्कुल, अरे सेकंड पार्ट पे बोलने दीजिएगा तब, मैं सेकंड पार्ट बोल रही हूँ। नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित, नाथूराम गोडसे जी पे हाँ सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए, बोलने देंगे कि आप लोग बोलेंगे तो ले, बोलिए बोलिए जी, ये कल को हाफी सही जी, चूंकि इन्होंने थोड़ा डाइवर्ट किया, हम भी एक मिनट डाइवर्ट करके आएंगे, करेंगे। रावण नाथूराम मुर्दाबाद क्या है, रावण रावण नाथूराम गढ़ से मुर्दाबाद क्या है, गोल गोल घुमा रहे हैं, क्या बोलने में दिक्कत है, शिव तांडव रावण ने मुर्दाबाद थी, क्या दिक्कत है इसमें, मुर्दाबाद है इसमें क्या दिक्कत है, गोल गोल घुमा रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, कन्हैया की बात की जय है, वैसे नाथूराम गोड से मुर्दाबाद है, बोलिए इसको, चुप करवाइए इनको, फिर चुप करवाइए इनको, बोलिए बोलिए, चुप करवाइए, बोलिए बोलिए, अगर उन्होंने अगर क्या महात्मा गांधी का उन्होंने मर्डर किया है उस पर आरएसएस का कथित बयान है, आप जाकर के पढ़िए उसको, भर्त्सना करते हुए जी और अगर याद रहेगा, अगर हत्या की है और नाथूराम गोडसे जी इतिहास याद रखेगा सुभ्रता जी, ये गद्दारी है, इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी, ऐसा है ना, ऐसा है ना। डिबेट्स में ही नहीं अपने भाषणों में भी वे मोदी जी और गोदी मीडिया पर पलटवार करते रहते हैं। नागपुर में अपनी स्पीच के दौरान कन्हैया ने मोदी जी की काफी आलोचना की और लोगों को खूब हंसाया भी। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है और जैसा भी आप सोच लीजिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं कि हमको विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, बताइए
56 इंच का सीना, 282 सीट, जिधर देखिए उधर ही भाजपा की सरकार, मतलब जिधर नजर उठाइएगा उधर भाजपा की सरकार है, तब भी विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, इस पे आपको विश्वास होता है? यह है प्रोपेगेंडा। आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है, अगर जोर से नहीं हंसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्चा आदमी है। यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का हो गया है, मोदी जी कभी सच नहीं बोल सकते हैं, ये यूनिवर्सल जैसे होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ। मोदी जी के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सल लाई। आप अपने दिल पे हाथ रख करके हमको बताइए कि आपका अच्छा दिन आ गया तब आप कैसे कहते हैं कि मोदी जी बढ़िया आदमी है, और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा हैं कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपने आप अपना काम समझे हम। जेएनयू में हिंसा के मुद्दे पर इंडिया टुडे की डिबेट में बीजेपी नेता और कन्हैया कुमार आमने सामने आए। बीजेपी नेता ने जब कन्हैया को सवालों में उलझाने की कोशिश की तब कन्हैया ने उन पर पलटवार किया और उनकी बोलती बंद कर दी। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, हाँ। ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे, दोगला गाली नहीं है, डबल स्पीक, दोगला गाली नहीं, आप दोगला है। यदि मैं डबल यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, जन्म कब हुआ आपका, जन्म कब हुआ 87 में, हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा, नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे, आपको पता है। अरे हम तो सब जेएनयू में थे, एक मिनट, आपको पता है, हम जेएनयू में थे, आपको पता है, हम 89 में थे, क्या किए हम, आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बर्स के खिलाफ जो है, जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप क्या करते, चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए। अरे राजीव जी देश बोल रहा है इनको, टुकड़े टुकड़े गैंड अफजल ग्रुप एंड पार्टी, इनके पार्टी बोल रहा है इनको, इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए, चुप रहो। न्यूज 18 पर एक शो जनता के चक्रव्यूह में कन्हैया को बुलाया गया। इस शो में स्टूडियो में मौजूद जनता के सवालों का जमकर जवाब कन्हैया ने दिया और सरकार पर कड़ी आलोचना की। आप लालू यादव जी से मिलते हैं, उन लालू यादव से जो शहाबुद्दीन के साथ खड़े हैं। अब मेरा सवाल आप समझ चुके हैं, वो शहाबुद्दीन जिसने चंद्रशेखर का खून किया, आपके अपने साथी, आपकी विचारधारा के साथी, आप जब जाके लालू यादव से मिल सकते हैं और आपको उनमें नजर गलती नजर नहीं आती है, तो फिर कैसे आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि राजनीति के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार राजनीति नहीं कर रहे? क्या लालू यादव राजनीति नहीं कर रहे? मैं जवाब सुनते, मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं वामपंथी राजनीति कर रहा हूँ। मैं मैडम से और उनके जो मास्टर हैं उनसे अपील करता हूँ कि वो भी ये स्वीकार करें कि वो राजनीति कर रहे हैं और वो नाथूराम पंथी राजनीति कर रहे हैं, यही बात है, इसको स्वीकार कर लीजिए। कन्हैया, आजाद कश्मीर पे आप क्या कहेंगे? आजाद कश्मीर कहाँ है? नहीं नहीं, नारे लगते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पे? आजाद कश्मीर, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं संविधान को मानता हूँ तो इस देश की एकता और अखंडता में भी भरोसा करता हूँ। अपने मन में ही सपना आया कुछ मान लिए, ऐसे नहीं होता है। आप आज कहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा है, ये आपके ये इसमें कहने की बात है? नहीं नहीं, तो आप नहीं कहती हैं क्या? हम तो कहते हैं। आप मानते हैं नहीं मानते? हम तो मानते हैं। आप बोलिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा, कश्मीर भारत का हिस्सा है। मैं आपकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। सर आप क्यों नहीं कह पाते? आप क्यों नहीं कह पाते? नेशनल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में अपने भाषण के दौरान किसी ने गोदी मीडिया पर कन्हैया से सवाल किया। इसके बाद अपने भाषण में कन्हैया ने गोदी मीडिया की काफी आलोचना की और मीडिया क्यों एक तरफ है इसके बारे में भी बताया। एक तरह के लोग वो हैं जो रवीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं और दूसरे तरह के लोग वो हैं जो नेशन वांट्स टू नो। सो मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और प्रधानमंत्री से मेरी दोस्ती है और मैं इस देश का 40% मीडिया ऑन करता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछेगा। दिन भर जो है वहाँ पे भक्ति चलता रहेगा, हैं? और ये सब का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि आज मीडिया से रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। पहले रिपोर्टर हुआ करते थे, एडिटर हुआ करते थे, अब एंकर होते हैं और एंकर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं। वो मंगल के भी एक्सपर्ट हैं, चंद्रमा के भी एक्सपर्ट हैं, वो ज्योग्राफी भी जानते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, पॉलिटिक्स भी जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि एंकर को एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है, एंकर को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है।
बढ़िया अंग्रेजी बोल करके बढ़िया चेहरा पे जो है उसको कहते हैं ना ज़्यादा गोरा दिखने के लिए, ठीक है, वो व्यवस्था करके माइक लेकर के उनको एक्सपर्ट बन जाना है। ये मीडिया के बेसिक करेक्टर को आज मार रहा है। ये थे कुछ भाषण और डिबेट जब कन्हैया कुमार सरकार और मीडिया पर बरसे हैं। जो काम मीडिया के एंकरों को करना हो वो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं। सरकार से सवाल उठाना ये हमारे मीडिया का काम है और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा मीडिया आगे से सरकार से सवाल उठाना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।